हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक अनोखे सफ़र पर, जहां हमारे कुछ साथी मछली पकड़ रहे हैं। हम आपको यहां दिखाएंगे किस तरीके से मछलियों को पकड़ा जा रहा है। उसके लिए पूरा खर्चे का इंतज़ाम किया गया है, पंप भी लाई गई है एक अलग से। और पहले आप ये देखिए, तनवीर भाई इस पानी में ऐसा हाथ से कर क्या रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, और जिसकी समझ में आए वो कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। बाकी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसी मछली जिसके कांटा मारने से अक्सर बुखार आ सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इंशाल्लाह आपको इसमें मछली पकड़ने की काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। मछली पकड़ने का काम बहुत ही ज़ोरों पे शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए आपने देखा ही है पंप यहाँ पर लाई गई है। पहले आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से मछली पकड़ने के लिए इसको, मछली पकड़ने का जो सामान है वो तैयार किया है। और इसमें है मछली का जाल, पंपी और हमारे 6-7 दोस्त। मछली पकड़ने से पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि मछली का फेवरेट स्पॉट क्या है। अब वो स्पॉट ढूंढने का वक्त आ गया है। दोस्तों देखिए, ये है हमारे मछली पकड़ने का स्पॉट। अब हम यहाँ बैठते हैं और देखते हैं क्या होता है। और हमारे दोस्त, ये देखिए आप सामने दिख रहा हुआ, एक ने मछली पकड़ी और वो बाल्टी के अंदर डाल रहा है। पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी वक्त इसको पानी को निकालने में खींचने लगेगा। इसमें हमारे 6-7 नौजवान लगे हुए हैं, जो कि पूरी मेहनत से मछली पकड़ रहे हैं। हालाँकि ये इनका काम नहीं है, बट एक शौक है, शौक में इस काम को बराबर कर रहे हैं। अपने कपड़ों की टेंशन इनको कुछ नहीं है, लगातार कपड़े गंदे कर करके मछली पकड़ने में बुरी तरह लगे हुए हैं हमारे दोस्त। और मुझे देख के हैरानी ये हुई कि ये पंप ही अपनी लेकर आए, अभी ये स्टार्ट हो करी गई है। यह देखिए हमारा सबसे छोटा जो कंटेस्टेंट है इस मछली पकड़ने का, फैजान भाई। पंप पहली बार में तो स्टार्ट हुई नहीं, चलिए दूसरी कोशिश। यहाँ दूसरी बार में स्टार्ट कर दी गई है। सबसे कम उम्र का लड़का इनमें फैजान है, जिसने भी पंप स्टार्ट की। और यहाँ अंदाज़ा लगाइए, चलिए हम तो यहाँ अपना वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं कि हमें अपना व्लॉग बनाना, हमें तो फ़ायदा है, लेकिन फालतू की पब्लिक बहुत है भाई, जो सिर्फ यहाँ खड़ो के में इनकी मछलियों को, इनके पकड़ने के तरीके को देख रही है। और लगातार यहाँ पब्लिक जो है पढ़ती जा रही है। खेत मालिक को बड़ा बेनिफिट हो गया होगा इससे, क्योंकि इसमें इतना झाड़ झंकार था, सबको इन्होंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। और मछलियों पर निगाहें लगातार बनी हुई है। इसमें हम आगे आपको तरह तरह की मछलियाँ दिखाएंगे, आप वीडियो को बिल्कुल देखते रहें, क्योंकि अभी मछली का काम शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे मछलियाँ इसमें आने लग जाएगी। इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा, और ये लड़के काफ़ी इंजॉय कर रहा है इस काम में। मैं पहले ही बता रहा था, ये शौक में मछलियों को पकड़ रहे हैं। ये देखिए आप, अक्सर सिंगी मछली से बहुत खतरा होता है उसको, ये कुछ इनके पास औजार जो है पकड़ने का, उससे पकड़ रहे हैं। बहुत पब्लिक है यहाँ। और ये देखिए आप, देखने वाले जाता है। अभी थोड़ी देर में नासिर भी इसके अंदर जाएगा, वो खुद भी मछली पकड़ेगा, इसको काफी शौक मछली पकड़ने का। फैजान काफी मेहनत इस वीडियो में कर रहा है, जबरदस्त सफाई हो रही है उसकी। तो फावला बहुत चला दिया उसने, काफ़ी बड़ा ये खेत है मछली का, और काफ़ी ज़्यादा मछली निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। और बाकी फाइनल रिजल्ट तो बाद में आएगा, कितनी मछली इसमें निकलेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा पाइप लगाया गया है इस खेत से दूसरे खेत तक, पानी डाला जा रहा है जिससे रोड पर कोई दिक्कत ना हो। इरशाद किराना स्टोर, वो भी मछली देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए आप नवेद, तीन भाई व्लॉग का साथी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मछली इसमें निकल जाए आज।
फैजान फिर कुछ पंपिंग में कर रहा है। ये देखिए, इसने पकड़ी है ये सिंगी मछली। अक्सर इस मछली का हमने जिक्र करा था शुरू में पहले आपसे कि ये वो मछली है, अगर ये काट ले किसी के तो अक्सर बुखार आने के चांसेस फुल होते हैं, उसको फीवर आ सकता है और लगभग कई दिन तक वो परेशान कर सकता है। और कोई ही बचा होगा जिसके ना काटा हो, वरना सभी के मछली ने कांटा मारा जरूर है सिंगी ने, क्योंकि इसका कांटा होता बड़ा खतरनाक है। दोस्तों, जिस मछली को हम बता रहे थे, फिर वापस देखिए, यही वो सिंगी मछली है जिसका कांटा अगर लग जाए किसी के तो लगभग कई दिन तक बुखार आ सकता है। तो कभी भी आप मछली के आसपास भटके तो इस बात का ख्याल रखे, सिंगी से तो बच के रहना, क्योंकि लगभग सभी के यहाँ कांटा मारा है इसने और ब्लड तक निकाल दिया, इतना खतरनाक कांटा इस मछली का होता है। फैजान भाई हमारे सबसे ज़्यादा युवा और मेहनती इस पूरी टीम में कोई है तो वो फैजान भाई है, ये लगातार पूरी मेहनत से मछली पकड़ रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है इनको देखने में, क्योंकि वीडियो भी बन रही है। और जो अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम हर वीडियो में आपको कुछ नया दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसमें भी हमने कुछ आपको अनोखा दिखाया है। हमने सोचा बाहर की वीडियो काफ़ी शूट हुई, इसलिए हमने एक गाँव का एक व्लॉग लिया जिसमें कुछ हमारे दोस्तों ने मछली पकड़ी हुई है उसको दिखाने की कोशिश की। जरा इसमें कुछ आदमी का माइंड चेंज हो जाता है तो एंटरटेनमेंट बना रहेगा, और इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आपको बराबर हमारे हर व्लॉग में आएगा। सारे